Aam Aadmi Party's Delhi budget is being presented in the assembly. Let's cut across. अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता, मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का नौवां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोरस्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए
बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय कालेखा और आईएनए बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफे के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यू ने 28 नए फ्लाईओवर अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.